हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चंद्र। वेलकम बैक अगेन टू नर्सिंग रिक्रूटमेंट अकेडमी। वैकेंसी आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, यूपी यूएमएस से। ये वैकेंसी है नर्सिंग अफसर की, बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। सारे डिटेल्स जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सो आखिरी तक चैनल में बने रहे, सारे डिटेल्स जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वैकेंसी UPMS यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से आया है, ठीक है। नर्सिंग अफसर की परमानेंट वैकेंसी है, जिसमें सैलरी रहेगा आपकी पे लेवल 7 यानी बेसिक पे आपकी 44,900 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। हाई सैलरी 1,42,400 रुपीज़ तक आप रहेगा, यानी कि इनिशियल सैलरी जो है 70,000 से 80,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। BSc और पोस्ट BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और GNM कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है। आफ्टर क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए इन 50-bedded हॉस्पिटल, ठीक है। 18 से लेकर 40 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नर्सिंग अफसर की टोटल वैकेंसी 600 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें आपको बता रहा था UR में 240 सीट से, यानी कि हर सीट UR में UR कैटेगरी में है, ठीक है। EWS में 60, OBC में 162, SC में 126 एंड 12 वैकेंसी ST कैटेगरी में है, ठीक है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देखिए, UR में टोटल जो है एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 2360 रुपये, OBC EWS के लिए भी सेम रहेगा 2360 रुपये, एंड SC ST कैटेगरी के लिए जो है कम फीस रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी 1416 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी उनके लिए रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, देखिए 19 मई 2023 से जो है इसका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। आप 8 जून 2023 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं आपको वेबसाइट वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, वहां पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। सो गाइस, बहुत कम टाइम जो है दिया गया है अप्लाई करने के लिए, आधा महीने से भी जो है कम टाइम है अप्लाई करने के लिए। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अभी से जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट डे तक इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है, वरना जो है साइट स्लो होने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो जो भी कैंडिडेट अभी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंट्रेक्चुअल बेसिस में ही, उन्हें जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, अलॉन्ग विथ द अदर सर्टिफिकेट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा। टोटल जो है 200 MCQs आएंगे, एंड ईच MCQs के रील्स 3 मार्क्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर 600 मार्क्स रहेगा। आपको 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। 170 क्वेश्चंस जो है नर्सिंग सिलेबस आएंगे, 30 क्वेश्चंस जो है MCQs कोर आइडेंटिफायर जनरल नॉलेज इंग्लिश नॉलेज से आएंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3, यानी कि 0.33 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सो अच्छे से आप अवॉइड कीजिए नेगेटिव मार्क, अवॉइड करने के लिए जो भी आंसर आपको आता है वही जो है अटेंड कीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सिलेबस देखिए, कौन सी पार्ट से, कौन सी बुक के कौन से पार्ट से जो है कितने मार्क्स आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, ये वेबसाइट देखिए www.upums.ac.in, इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे भी इस तरह के नर्सिंग के रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस चैनल में आते रहेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड बेल आइकन को भी पास में जो है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग का और एक वैकेंसी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।